आप कब से जहिया से जन्मा है माँ बाप से तो ये से हम शुरू से बना रहे हैं। हाँ तो जहिया से माँ बाप जन्माता है वही दिन से होता है। अच्छा वही दिन से कारोबार होता है करते हैं। क्या नाम है चाचा? हमर सतलारायण मलिक। क्या बना रहे हैं? छिट्टा दौरी सूप कोनिया सब कुछ बना लेते हैं। वो है कट्टा आदमी जो मलिक है। हम मलिक है से देहात है। छिट्टा दौरी बुनते हैं खाते हैं पीते हैं शोक मौज करते हैं। आपको भी आता है बनाने? हाँ बनाते हैं। क्या क्या बना लेते हैं? सूप बनाते हैं। अच्छा सूप बनाते हैं। अच्छा दौड़ी कहीं भी उतारते हैं? दौड़ी नहीं। सभी को पता है कि छठ पर्व का समय आ गया है और आज से छठ पर्व 6 दिन बाद छठ पर्व है और छठ पर्व में जो कहा जाता है हिंदुओं का जो पर्व है ये महत्वपूर्ण पर्व है। एक ऐसा पर्व है ना जो बड़ी ही आस्था से लोग मनाते हैं। और अभी हम एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे छठ पर्व में जो अर्घ उठाया जाता है जिस सूप से जिस दौड़ा से और वो दौड़ा जो बनती है कितनी में मिलती है कैसे मिलती है इसके बिना पूजा होगी या नहीं होगी तो आइए बातें करते हैं जो मेहनत करके दौड़ी बनाते हैं सूप बनाते हैं। क्या नाम हुआ भैया? अशोक मलिक। अशोक मलिक क्या बना रहे हैं? ये छीटा बना रहे हैं। छीटा यानी कि दौड़ी? दौड़ी दौड़ी। अच्छा ये क्या? ये सूप है। अच्छा ये सूप है जी। अच्छा ये कौन सा काम किस में काम आता है? छठ पूजा में। छठ पूजा में काम आता है? छठ पूजा। छठ पूजा में काम आता है और किस में काम आता है? छठ पूजा में आता है और किसी भी बिजनेस करने में धान अगर धान करता है तो उसी में लड़ने चारने में काम आता है। छठ पर्व के बाद ही इसका महत्व होता है। छठ के सबसे बड़ा महत्व छठ पर्व में ही होता है। सबसे बड़ा अभी छठ में महत्व है। इसका उपयोग होता है? हाँ उपयोग होता है। हर साल छठ में जब हर साल छठ आता है ना जैसे आप कहीं देखोगे सूप ऐसा वाला तो आपको समझ में आ जाएगा कि छठ पर्व नजदीक आ गया है। क्योंकि जैसे ही छठ पर्व आता है ना तो चारों तरफ आपको सूप दिया सूप दौड़ी दिया मिट्टी का दिया आपको दिखेगा है कि नहीं? मिट्टी का दिया सूप दौड़ी हर जगह दिखता है कि नहीं छठ पर्व के समय में? अरे हर एक जगह दिखता है। दिखता है। अच्छा बताइए बिना सूप का बिना दौड़ा का छठ पर्व मनाया जा सकता है? नहीं नहीं सर नहीं नहीं। अच्छा ये बताइए दौड़ा और सूप मतलब दौड़ा जो बनाते हैं एक दौड़ा बनाने में कितना समय लगता है? एक दौड़ा बनाने में 1.5 घंटा 2 घंटा लगता है। एक दौड़ा बनाने में 1.5 घंटा 2 घंटा लगता है। और ये वाला सूप है इसको एक एक बनाने में कितना समय लगता है? इसमें बनाने में 1.5 घंटा लगता है। एक सूप बनाने में 1.5 घंटा लगता है? 1.5 घंटा लग जाता है। क्या बात है काफी मेहनत है दोस्तों। हम लोग तो खरीद के लेके जाते हैं और इसका उपयोग करते हैं लेकिन जो मेहनत करते हैं ना उनको पता होता है कि कितना समय लगता है कितना मेहनत लगता है। अच्छा ये जो दौड़ी बना रहे हैं तो इसका एक दौड़ी का कितना दाम होगा? इसका दाम है अभी 150 रुपया। 150 रुपया कम समय में भी दे देते हैं आप? हाँ कम समय में दे देते हैं जैसे देखते हैं वैसे करते हैं। अच्छा इस सूप का कितना दाम होगा? इसका दाम है 70 रुपया। 70 रुपया जोड़ा कितने में देते हैं? 140 का। 140 का 140 रुपया जोड़ा? जोड़ा तो देख सकते हो 150 रुपया में एक दौड़ी मिलता है और 70 रुपया में एक सूप है ना 140 का जोड़ा है। 140 का जोड़ा हुआ 150 का ये हो गया 150 का दौड़ी हो गया। अच्छा दिन भर में कितना बना लेते हैं? दिन भर में 2-4 बना लेते हैं। 2-4 बना लेते हैं बस? 2-4 बनाते हैं? 2-4 बना इसे आपका जीवन चल जाता है? क्या करें किसी किसी तरह तो है। तो कर ही लेते। अच्छा ये बताइए सब दिन यही बनाते हैं इसके अलावा कुछ काम करते हैं? और भी कोई खेती गृहस्थी करते हैं घरट करते हैं और भी शुगर चराते हैं। शुगर चराते हैं? शुगर चराते बाकी समय समय पर जब समय आता है तो दौड़ा बीनते हैं बाकी बाद हम शुगर चराते हैं। अच्छा डलिया वगैरह भी बनाते हैं? शादी विवाह जो डलिया होता है वो सब बनाते हैं? हाँ डलिया भी बनाते हैं। अच्छा वो भी समय उसका भी लगन आ रहा है? हाँ उसका भी लगन पर्व के बाद तो उसी का लगन चलेगा ना? तब तो उसी का शादी का। अच्छा कितने 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 समय तक चलता रहेगा वो? छठ छठ के बाद तो है तो हर हर एक महीने शादी होते ही रहता है बनाते रहते हैं। बिकता है कि नहीं बिकता? ना ना चलता है। नहीं चलता है? अच्छा ये जो अभी छठ पर्व का समय है ये सूप दौड़ा ये सब बिकता है कि नहीं बिकता? हाँ 12 छठ चलता है बाकी कोई बिजनेस हमको नहीं है। कोई बिजनेस नहीं? अच्छा बाकी दोस्तों अभी हम अच्छा ये कौन सा जगह है? ये बलुआहा है। बलुआहा कौन सा जगह? 14 सुपौल? सुपौल या फिर सहरसा? सहरसा जिला है। सहरसा जिला हुआ? बलुआहा सहरसा जिला? सहरसा जिला। तो दोस्तों अभी हम बलुआहा सहरसा जिला में हैं और देख सकते हो किस तरह से ये दौड़ी और सूप वगैरह बना रहे हैं। देखिए काफी मेहनत लगता है बनाने में और कहते हैं कि एक सूप हो या फिर एक दौड़ी हो उसको बनाने में कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगता है। हुआ देवी नीलम देवी। आपको भी आता है बनाने? हाँ बनाते हैं। क्या क्या बना लेते हैं? सूप बनाते हैं। अच्छा सूप बनाते हैं। अच्छा दौड़ी कहीं भी उतारते हैं? दौड़ी दौड़ी नहीं मिलती। अच्छा ये बांस का बनता है या फिर बांस का करची का बनता है? बांस का बनता है। सूप भी बांस का बनता है दौड़ी भी बांस का बनता है? हाँ दौड़ी भी बांस का। अच्छा उसका करची का भी बनता है? नहीं बांस को मकोर बांस का करची का नहीं बनता है?
अच्छा मच्छी का तो दौड़ी बनता होगा। दौड़ी बनता है मगर बांस का कोनिया बनता है। बांस का कोनिया बनता है। अच्छा सो ये सब जो ये सब माटते हैं खुद माट लेते हैं? हाँ माट लेते हैं। दोनों मिल के काम करते हैं जी। क्या बात। बाकी देख सकते हो इन लोगों का कितना मेहनत है। और देखिए अभी हम जिस जगह पे है ना उस जगह पे अभी जिस जगह पे है ना इस जगह पूरा आपको देखने को मिल जाएगा कि सभी सूप दौड़ा का जो है ना वो बनावट कर रहे हैं। और इसलिए बनावटी बना रहे हैं कि अभी छठ पर्व का समय है और छठ पर्व में सूप और दौड़ा का बहुत ज्यादा उपयोग होता है। अच्छा अच्छा क्या नाम हुआ? भुट्टा मल्लिक। ये कौन सा जगह है? कौन सा जगह है? यहाँ बलवा बाजार सतना नंबर रोड। अच्छा आप क्या करते हैं? सुप्ती मोनी बेचते हैं मलिक जी है। अच्छा सूप वगैरह सब बनाते हैं? कब से बना लेते कब से बना रहे हैं आप? कब से जया से जन्मा है माँ बाप से तो ये सब शुरू से बना रहे हैं। हाँ तो जया से माँ बाप जन्माता है वही दिन से होता है। अच्छा वही दिन से कारोबार होता है करते हैं। अच्छा, और सूप दौड़ा का सबसे ज्यादा उपयोग कहाँ होता है? सूप दौड़ा का सबसे ज्यादा उपयोग लोग कहाँ करते हैं? देहाते में होता है। शहर में नहीं होता है। छठ पर्व में नहीं होता है? न सर में कम सम होता है। कम सम होता है वो है गुकट्टा आदमी जो मलिक है। हम मलिक है से जाते हैं। हाँ। छिटा दूर बुनते हैं खाते हैं पीते हैं शोक मौज करते हैं बस। मतलब इसी से अपना जीवन यापन करना है? हाँ यही बात इसी से मौज मस्ती कर लेते हैं। हाँ यही। बाकी देखिए दोस्तों छोटे छोटे जितने भी लोग होते हैं ना बहुत खुश होते हैं कम पैसा कमाते हैं कम पैसा कमाते हैं लेकिन बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। आइए और भी कुछ हमरा पढ़ाई सीख लिया आप तो फोटो खींच ले लिए हमारे गप ले लिए। हाँ। आप हमरो कंटा सिखा दियो ना कहिए की सिखाइए की नाम में की करे छे की कानून करवाए छे से बात मोबाइल में अत ठीक छे मोबाइल में देखियो हमर सतलरन मलिक क्या बना रहे हैं? छिट्टा दौरी सूप कोनिया सब कुछ बना लेते हैं। हाँ अच्छा ये एक दौड़ी बनाने में कितना समय लगता है आपको? ये छिट्टा बनाने में करीब 20 मिनट। हाँ इधर बोले थे 1 घंटा लगता है। नहीं नहीं बुनने में अच्छा, कैम और चिरने में नहीं अच्छा। बुनने में लगता है मतलब सब कुछ करके 1 घंटा लगभग लग ही जाता है। हाँ हाँ 1 घंटा तैयार करने में। हाँ अच्छा ये हमेशा बनता है या फिर सिर्फ छठ के समय में दीपावली के समय बनता है? यहाँ पर हमेशा बनता है ये यहाँ पे हमेशा बनता है। हाँ सबसे ज्यादा कब बिकता है? छठ में छठ में बिकता है हमेशा। हाँ हाँ चले छे कम सम चले छे। हाँ तो दोस्तों अभी छठ पर्व का समय है और छठ पर्व में लगातार आपको देखने को मिलेगा हर जगह की किस तरह से मिट्टी का दिया बनाया जाता है और किस तरह से सूप दौड़ी बनाया जाता है। बाकी भरपूर मात्रा में छठ पर्व में ये सब चीज का बिक्री होता है। बाकी छठ पर्व के बारे में आप क्या सोचते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इन गरीब लोगों के बारे में क्या सोचते हैं जो दिन भर मजदूरी करते हैं और रात में खाना खा के मस्ती से सो जाते हैं इनके बारे में आप क्या कहना है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।